हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लैनेट क्रॉकर के और एक एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने ऑक्सीजन को बूस्टअप कर दिया था, जो कि अभी 8.40 PPQ से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड ग्रोवर है वो अनलॉक हो चुका है। साथ ही साथ हमारा T3 ऑक्सीजन टैंक भी अनलॉक हो चुका है। तो हम ये दोनों चीज़ें आज बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे उस शिप की तरफ जो हमने पिछले एपिसोड में देखा थी। देखी थी ये वो वाली शिप जिसमें हमें कुछ सप्लाई मिल सकता है। और आप देख सकते हो हमने जो अपना नया बेस जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। हमने बेस को 3x5 का बना दिया है। अगर हम अंदर चल के देखें तो हमारे पास अभी बहुत सारी जगह हो गई है। और हमारे पास जो T1 ट्यूब्स थे, T2 ट्यूब्स थे, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए चारों ट्यूब्स। और जो हमारे हीटर थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और इस तरफ हम आएंगे तो हमने सारा जो मटेरियल था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, और ये है एल्यूमिनियम जो हमें उस केव से मिला था। तो इस केव से जो भी एल्यूमिनियम मिला हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और जो भी हमें आयोडियम मिला था वो हमने यहाँ पे रख दिया, और एक यूरेनियम हमें मिला था शिप से, जो हमने लास्ट लास्ट एपिसोड में जिसको हमने एक्सप्लोर किया था। तो हमारा फर्स्ट टास्क है ऑक्सीजन बनाना, T3 ऑक्सीजन टैंक बनाना। इसके लिए हमें चाहिए T2 ऑक्सीजन टैंक, आयरन, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो हर एक 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 चीज ले लेते हैं। आयरन हो गया, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इससे हमारा T3 ऑक्सीजन टैंक बन जाएगा। हमारा T3 ऑक्सीजन टैंक बन गया है। और हम इसमें हमें 280 की कैपेसिटी दे दी है, जो पहले 200 की थी। और वाटर के लिए हम लोग ये वाटर कंज्यूम कर देंगे तो हमारा वाटर फुल हो जाएगा। एंड फूड के लिए फिलहाल हमारे पास दो फूड फूड है, तो एक लेके रख देते हैं इमरजेंसी के लिए, एंड एक हम लोग वाटर बॉटल बना देंगे। वैसे है यहाँ पे तो ये इसको ले लेते हैं। तो एक वाटर बॉटल हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया एंड फूड हो गया। अभी हमें देखना है कि हम फूड ग्लोवर कैसे बनाएं। ये रहा फूड ग्लोवर, तो हमें कितने बनाने चाहिए पहले हम सीड देख लेते हैं हमारे पास कितने सीड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो सीड्स हैं, ये दो ले लो। और भी सीड्स अवेलेबल है। तो हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग तीन बना देते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन, इसके लिए चाहिए रहेगा हमें एल्यूमिनियम, आयरन एंड वाटर बॉटल। जबकि एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इतना ही एल्यूमिनियम है। तो हम लोग फिलहाल के लिए तीन बना देते हैं। ये तीन हो गया, देन आयरन तीन एंड वाटर बॉटल थे, तो तीन वाटर बॉटल पहले बना देते हैं। आइस से हमारा वाटर बॉटल बन जाएगा। ये तीन वाटर बॉटल हो गए, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और ये कंज्यूम करेगा -15 एनर्जी। तो हमें एनर्जी का भी ध्यान रखना है। अभी राइट नाउ हमारे पास 5.3 किलोवाट एनर्जी है, तो दैट मीन्स हमें पहले एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी, तभी हम फूड ग्लोवर लगा पाएंगे। तो एनर्जी के लिए हमारे पास ऑप्शन खुल गया है। हम या तो T1 सोलर पैनल लगा सकते हैं, या फिर हम लोग T2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। T2 में एल्यूमिनियम लगेगा, लेकिन वो हमें प्रोड्यूस करके देगा 19.5। तो अगर हम 19.5 लगा देते हैं और ये 15 कंज्यूम करेगा, तो एक सोलर पैनल से हम एक फूड ग्रोवर बना पाएंगे। तो हमें तीन सोलर पैनल बनाने होंगे T2 वाले, और इसके लिए चाहिए होगा आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। तो हमारे पास कितने एल्यूमिनियम अभी बचे हुए, बाकी चीजें तो मिल जाएंगी, चार है, तो तीन तीन से काम हो जाएगा। तो तीन तो ऑलरेडी मैंने लेके रखे हैं। तीन आयरन हो गए,
अभी चाहिए 6 कोबाल्ट चाहिए, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। कोबाल्ट कोबाल्ट 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक साथ इतने नहीं आएंगे। अच्छा, इसको पहले शिफ्ट कर देते हैं, काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए शिफ्ट कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर दो। ऑक्सीजन वाटर बॉटल को भी शिफ्ट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कोबाल्ट हो गए। मैग्नीशियम चाहिए थे हमें 1 2 3, और क्या चाहिए था? सिलिकॉन चाहिए, 3 सिलिकॉन। 1 2 3, 3 सिलिकॉन हो गए। तो हमारे 3 सोलर पैनल बन जाएंगे T2 वाले। तो हमारा सोलर पैनल का जो सेट था वो यहाँ पे था, यहीं पे बना देते हैं। एक काम करते हैं, इसके पीछे बना देंगे। ओके, तो 1 2, आई थिंक 3 सफिशियंट होंगे। इससे हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया होगा, जिससे हम फूड ग्रोवर बना पाएंगे। ठीक है, 63 हो गया, और एक फूड ग्रोवर है जो 15 लेता है, तो 3 3 तो हम बना पाएंगे। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन चाहिए हमें। 1 2 3, 3 आयरन हो गए। इसको भी ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और चाहिए एल्यूमिनियम। 1 2 3, ठीक है, एक ही एल्यूमिनियम बचा है अभी हमारे पास। तो हम लोग कहाँ पे बनाए? काम करते हैं, खा लेते हैं पहले। हाँ, एक काम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। हाँ, ये इनके बीच में बना देते हैं। 1 2, तो 3 हमारे ये बन गए। इधर सीड लगा देते हैं। तो हमने एक में हमने एक प्लांट लगा दिया है, एंड बाकी 3 उसमें हमने स्क्वाश लगा दिया है। अभी अगर देखे तो हमारा 31% हो गया है। ये ग्रोथ स्पीड जो है 0.6 है, एंड चांसेस टू गेट सीड बैक 100%। इसका मतलब ये है कि हमें बार बार इसमें सीड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो सीड ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। ये है 32%, ये भी 32% है। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। तो तब तक जो है हम लोग हमारा वो शिप की तरफ जाके वापस आ सकते हैं। तब तक शायद हमारा फूड प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो वहाँ जाने के लिए पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करना होगा। ऑक्सीजन के लिए हमें वहाँ पे कुछ लिविंग पॉड बनाना होगा। तो 3 आयरन चाहिए होंगे उसके लिए, 2 टाइटेनियम चाहिए होंगे, और 1 सिलिकॉन, जिससे हमारा लिविंग लिविंग पॉड बन जाएगा। और साथ साथ हम एक काम करते हैं, इमरजेंसी के लिए एक ऑक्सीजन बना लेंगे, एंड एक पानी की बोतल रख देंगे कि अगर कुछ हमें जरूरत पड़े तो ये इमरजेंसी में हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो 2 वाटर बॉटल हो गए, ऑक्सीजन हो गया, और कंपार्टमेंट के लिए सामान हो गया। तो चलते हैं वहां जाके, देखेंगे कि वहां पे हमारे क्या मिलता है। वहां पे भी कुछ सप्लाई होना चाहिए, जैसे हमें जो हमने पिछले एपिसोड में जो हमने देखा था, उस शिप में हमें अच्छा खासा सप्लाई मिला था। कुछ सीड्स वगैरह मिले थे, कुछ आइटम्स मिल गए थे। तो हो सकता है यहीं पे भी, यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही मिले। काफी काफी ऊपर है ये। वैसे हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो अभी 280 कैपेसिटी है। यहाँ पे चेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम इसे ओपन नहीं करेंगे। हमें हमारी इन्वेंटरी खाली रखनी है, बाद में आके हम इसको देखेंगे।
तो जैसे मैं बोल रहा था, हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, 280 हुई है, तो शायद हम लोग एक ही बार में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जाके हम वो लिविंग कंपार्टमेंट बना देंगे। काफ़ी बड़ा शिप लग रहा है, तो होप करते हैं कुछ अच्छा सामान मिल जाए। थोड़ा शिप शिप के नज़दीक हम लगाएंगे ताकि हमें ऑक्सीजन रिफिल करते समय कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये प्लेन एरिया है, थोड़ा सा प्लेन एरिया है, यहाँ पे लगा देते हैं। लगेगा? हाँ, लग तो रहा है। यहाँ लगा देते हैं, और जो इसका डोर है वो इस तरफ लगते हैं, क्योंकि हम शिप के अंदर से आएंगे इस तरफ से, तो हम यहाँ आके रिफिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया लाना, हमें स्टोरेज भी चाहिए होगा यहाँ पे, तो स्टोरेज के लिए हमें आयरन चाहिए होगा। आयरन बना देते हैं, एटलीस्ट आई थिंक 3 आयरन चाहिए होंगे। तो 3 चेस्ट हमारे बन जाएंगे। अंधेरा काफी हो चुका। अरे, एक चीज मैंने नोटिस नहीं की, हमने शायद हमने हाँ हमने टॉर्च तो लाई ही नहीं। चलो कोई ना, पहले ये बना देते हैं स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज कंटेनर। अच्छा, ये एक हमारा वो अनलॉक हो चुका है, लार्ज स्टोरेज कंटेनर। उसी के साथ साथ T3 वेजिट्यूब भी अनलॉक हो गया है, इसको लगाते हैं ये। अरे, काफी बड़ा है। ओ भाई साहब, इसमें तो बहुत कैपेसिटी है, तो एक ही में सब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ करना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत ये आ गई है कि हमारे पास टॉर्च नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं टॉर्च लेके आता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ फिर इसी जगह पे। हेलो दोस्तों, मैं टॉर्च लेके आ गया हूँ, मैंने टॉर्च को माउंट भी कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। टॉर्च को लाइट अप कर देते। ओके, एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो पहले लेफ्ट हैंड। ओके, सुपर अलॉय, लेफ्ट हैंड साइड में एक बक्सा मिला है हमें, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर दो। ये चीजों को उठा सकते हैं क्या? नहीं, वहां पे कुछ नहीं है। ये T1 हीटर है, इसको ले लो। चिप मिली है, चिप को भी ले लो। और कुछ है यहाँ पे? नहीं, और कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अब चलते हैं आगे। सामने की तरफ एक चेस्ट है, फूड मिला है, वाटर बॉटल ले लो, सब कुछ। अच्छा, एल्यूमिनियम मिल गया, अच्छी बात है। एल्यूमिनियम से हम लोग T2 सोलर पैनल बना पाएंगे। तो इधर भी एक लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए जगह है, देखते हैं क्या चीज़ है। ये क्या है? सूट कैबिनेट है। ये सूट है, हमारे पास ऑलरेडी 2 है, 2 या 3 है, हम इसको रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तभी तो आके ले लेंगे यहाँ से। सीड मिल गए, वेरी गुड। और सब बहुत सारा फूड भी मिला है, तो एक काम करते हैं, फूड को कंज्यूम कर लेते हैं। 40% ही बढ़ाएगा वैसे भी, तो और एक कंज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों को कलेक्ट करते हैं, सीड को ले लेते हैं। ठीक है, सामान रख के आते हैं पहले। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा लॉकर भी हो गया है, तो सामान रखने के लिए तो बहुत जगह होगी। इसको रखो, इसको रखो, इन सारी चीजों को रख दो।
को भी रख दो, इसको भी रख दो, इसको भी रख दो, ऑक्सीजन ले लो। फूड एक अंदर रख दो, एक फूड इनफ है, दो वाटर बॉटल इनफ है, दो क्या एक ही इनफ है, और एक बना देते हैं। ये तो भर गया, और एक बना देते हैं यहाँ पर। अच्छा, डी कंस्ट्रक्शन चिप नहीं है, अपना कंस्ट्रक्शन चिप नहीं है फिलहाल के लिए। इसको हटाओ, इसको लगाओ और एक बना दो यहाँ पे। ठीक है, इसको वापस, इसको लो, इसको शिफ्ट कर दो। तो ड्रॉप कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये देख चुके थे हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गए थे, तो सीड ले लो। अब एक प्लांट सीड मिली है, तो हमारा और फूड को और हम बना सकते हैं। आरडीएम मिल गया, आरडीएम, फैब्रिक, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, बेसिक बेसिक है ये। एल्यूमिनियम, ये अच्छा है। फैब्रिक, फैब्रिक शायद कुछ काम आ सकता है, बहुत सारा फैब्रिक मिलता है। फूड मिला है, देखिए अच्छी बात है, बाकी ये तो जनरल स्टफ है, इसको छोड़ो। और कुछ है? चलो आगे चलते हैं। ये T2 है, T2 हीटर है, फिलहाल नहीं करेंगे कुछ भी, बाकी का देखते हैं सामान। एल्यूमिनियम को ले लो, चिप भी है। ठीक है, वापस आते हैं। तूफान आ रहा है बाहर, ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट में लेते, इसको फिलहाल छोड़ दो। सारा सामान ले लो, इसको डिकम्पोज कर दो। इसमें क्या है? इसमें भी फूड है, फूड बहुत सारा मिल रहा है। वैसे अभी थोड़ी देर में ही हमारा फूड का, ऑलरेडी फूड ग्रोवर हमने लगा चुका है, तो फूड प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, और तब तक के लिए हमारे पास इनफ फूड हो गया। तो फूड का सिचुएशन तो काफ़ी कुछ अभी कंट्रोल में आ चुका है, अभी हमें फूड का उतना टेंशन नहीं है। ये देखो और फूड मिला है, अब जो फूड पूरा हमने खुद का प्रोडक्शन कर दिया है, तो हमें फूड मिलना शुरू हो गया। एल्यूमिनियम भी अच्छा खासा मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वापस आते हैं, ये भर गया। ये क्या है? ओपन फ्यूज रिएक्टर। ओके, यहाँ पे कुछ हमें शायद, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ हमें शायद रखना होगा, कुछ आइटम रखना होगा, जिससे कुछ चीजें, कुछ होगा इसके अंदर, पता नहीं। फ्यूजन रिएक्टर कुछ है शायद, इससे कुछ हमें और कुछ मिले जब हम लोग यहाँ पे फ्यूजन रिएक्टर में कुछ कोई एलिमेंट रखेंगे। ये जाता है, चिप नहीं जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं, शायद आगे चलेंगे तो चीजें अनलॉक होंगी। फिलहाल हम चलते हैं वापस। और बहुत कुछ चाहिए शिप के अंदर, बाहर तो बहुत 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 बड़ा तूफान आ चुका है। क्या लो हो रहा है हमारा? ऑक्सीजन नहीं लो रहा था। ये
ये लो ये लो, कुछ ड्रॉप हुआ है, इसको भी रखो। ये भी बन गया, मेरे ख्याल से हमें और एक बनाना पड़ेगा। इस शिप में वैसे बहुत सारा सामान है, इसको शिफ्ट कर दो, इसको ले लो, और एक बनाना पड़ेगा। इस तरफ बनाते, ठीक है, वापस से इसको शिफ्ट करो। गए थे लेफ्ट हैंड साइड, ये रिचेस्ट, एक प्लांटेड बचा था, इसको ले लिया। ओके, यहाँ पे सामान हो गया सब कुछ। इसका क्या करना है हमें पता नहीं। मैसेज, मैसेज क्या है? कार्गो शिप, ये कार्गो शिप थी। इसके लिए हमें इतना सारा मटेरियल मिला है। मशीनरी लॉग 436। दिस मॉर्निंग ऑन आवर 17th डे ऑफ स्पेस ट्रैवल। ओके, तो ये कहाँ पे जा रहे थे? कार्गो शिप थी, इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इस प्लेनेट के ऊपर, और बहुत सारा तूफान था। आई होप वी विल मेक इट। और ये बात हो रही है 3021, और अभी जो चल रहा था मेरे ख्याल से 3058 समथिंग चल रहा था, तो करीब 30 साल पहले की बात है, क्योंकि अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो 3058 समथिंग चल रहा है। क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आया था, जो फर्स्ट मैसेज हमने देखा था हमारे, जब हमने पॉड में यहाँ पे लैंडिंग की थी, तो 3058 था, और ये जो मैसेज है 3021 का है। जैसे मतलब कि करीब 30 साल पहले ये शिप यहाँ पे, अरे मेरा वाटर जा रहा है, ये मैसेज पढ़ना बहुत डेंजरस चीज है। हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। जा पाएंगे वापस? जा पाएंगे, जा पाएंगे, पहुंच जाएंगे भाई। ये मैसेज नहीं पढ़ने वाला मैं, मैसेज पढ़ने के चक्कर में अभी हम मर जाते। देखो हमारा एक वाटर बॉटल भी खलास हो गया यार, इसको ले लो, एक इमरजेंसी के लिए रखो अपने पास। तो ये बेसिकली कार्गो शिप है, इसके लिए हमें इतना सारा सामान मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया था, आई थिंक सब कुछ डन हो गया, सिर्फ ये हीटर बचा है, और ये एक, हाँ इसमें ये तो ले लिया हमने, ठीक है। बाकी कुछ डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं, ठीक है। ये जो फ्यूजन रिएक्टर कुछ है, ये क्या है हमें पता नहीं, ये बाद में शायद अनलॉक हो कुछ चीज़ें जिससे हमें ये यहाँ इसके बारे में कुछ पता चले। तो ये हो गया, इसको भी डीकंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। तो इस ये साइड तो पूरी खत्म हो गई, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अब सामने की तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या है? इसके लिए T2 वाली, T2 डिकंस्ट्रक्शन चिप लगेगी, तो ये फिलहाल हमारे लिए नहीं पॉसिबल। ये एरिया खत्म हो गया, यहाँ पे दो चेस्ट पड़ी हुई है, तो देखते हैं इसमें क्या है। एल्यूमिनियम है, बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं। फिर से फूड है, कुछ सीड्स है, वाटर बॉटल, फैब्रिक, सीड्स, ठीक है। यहाँ यहाँ पर भी कुछ जनरल सी चीजें ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये शिप पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ वो एक रिएक्टर कुछ था, वो क्या चीज थी हमें पता नहीं, बाकी आई थिंक सब कुछ डन हो गया है यहाँ पर। हाँ,
इस तरफ चलते हुए, ठीक है। तो आई थिंक बाकी सब हमने डन कर दिया है, तो देखते हैं हमें अभी क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल चुकी है। स्टार्ट कर दो। एल्यूमिनियम मिला है, वुड मिला है, चिप है, सीड्स है, एक प्लांट सीड्स है, फूड काफी मिला है। तो फूड का तो इश्यू सॉल्व हो गया हमारा। एल्यूमिनियम मिला है तो हम शायद थोड़ा पावर के लिए हम लोग वो ये बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा हमारे पास अभी ये हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सीड लेके चलते हैं। सीड लेके चलेंगे, ऑक्सीजन लेके ना, एल्यूमिनियम लेके चलेंगे, एंड थोड़ा बहुत हम ये जो अपना एल्यूमिनियम है इसको लेके चलेंगे, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो हम वहाँ पे अपना पावर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा पाए। वन टू थ्री, ये 1 2 3, ये दो मैंने ये ले ली, और एक ले लो, इमरजेंसी में काम आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें फिलहाल इधर ही रहने दो, बाद में आके मैं कलेक्ट सारा वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चल के देखते हैं हमारा फूड ग्लोवर कैसे काम कर रहा है, क्या हमारा फूड ग्रो हो चुका है। अब तक तो हो जाना चाहिए, जब हम निकले थे वहां से तो आई थिंक 30% के आसपास हुआ था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक हो गया हो। हमें पता चलेगा कि उससे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, या हमें और लगाने होंगे, या उसी से काम चल जाएगा। वैसे हमारे पास सीड्स है तो हम लगा सकते हैं, तो बेटर रहेगा हम लोग लगा दे और थोड़ा सा बफर मेंटेन कर ले, थोड़ा स्टॉक में रहेगा तो अच्छा रहेगा। वैसे अभी हम यहाँ पे T2, अपना जो T3 ये था सोलर पैनल, उसको भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एल्यूमिनियम मिल गया है, तो शायद हम और 3 बना ले। देखते हैं अगर एल्यूमिनियम है हमारे पास ना, तो और 3 हम फूड ग्लोवर भी बना देंगे, ताकि फिर इन फ्यूचर फूड की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आई थिंक वो बेटर रहेगा। देखते हैं इसमें से जो हमें फूड मिलता है ना, वो हमारा कितना हेल्थ बढ़ाता है। हमारा जो स्पेस फूड है वो तो 40% बढ़ा रहा है, तो इसमें से जो फूड निकलेगा वो हमारा कितना हेल्थ बढ़ाएगा। पहुंच गया, देखते हैं शायद 100% हो गया वो। अरे भाई देखो हो गया, हाँ हो गया, 100% हो गया। इसको इन्वेंटरी फुल करें, इसको कहाँ गया, एल्यूमिनियम को रखो पहले। ओके, हमने एक प्लांट मिल गया हमें, रिस्टोर हेल्थ, राइट क्लिक टू कंज्यूम, रिस्टोर हेल्थ 25। अच्छा, ये 25% हेल्थ रिस्टोर करेगा, जबकि जो स्पेस फूड था वो 40 हेल्थ रिस्टोर कर रहा था, ठीक है। एक प्लांट ये करेगा, ये स्क्वाश कितना करेगा, स्क्वाश 40 कर रहा है, तो स्क्वाश स्पेस फूड के उतना ही 40 कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया, ये भी हो गया, अरे ये लाइट बंद करो, ये भी हो गया 100%, तो इसको भी हम पिकअप कर लेते हैं। ओके, और एक अच्छी बात ये है कि इसमें अभी सीड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वो पिकअप करना है फूड, और ये ऑटोमेटिक फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। देखो 30%, 33% हो भी गया, ये 32% हुआ है और ये 31% हुआ है, तो ये ऑटोमेशन में चलेगा। हमें सिर्फ फूड को कलेक्ट करना है, और ये हमारी हेल्थ जो है ये 40% बढ़ाएगा, करके देखे। हाँ देखो हमारी हेल्थ बढ़ गई, वेरी गुड। एक काम करते हैं, इसको रखो, हम फिर और बनाते हैं, और चाहिए होंगे, इसको रखो, ये दो, इसको रख दो, इसको रख दो, इसको भी रख दो, इसको हटाओ, जैसे इसको भी हटाओ, इसको वहाँ पे रखेंगे, इसको भी हटाओ, नहीं इसको रहने दो, फूड को रख देते हैं, स्पेस फूड को रख ही देते हैं, हम लोग इसको कैरी करेंगे अभी,
और हमें चाहिए था वाटर बॉटल चाहिए थी हमें, तो ये तो हो गया वाटर बॉटल। नहीं, वो पहले हमें बनाना होगा वो क्या बोलते हैं, पावर के लिए T3 सोलर पैनल। पहले इसको रखो, इसको रखो। सोलर पैनल के लिए हमें चाहिए था, आयरन की जरूरत पड़ेगी। आयरन है हमारे पास? आयरन खत्म हो चुका है, आयरन लेके आते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम रहा, टाइटेनियम की कितनी, तीन टाइटेनियम के लिए ये सब तीन तीन लगेंगे। पहले इसको, अरे ना फंस गया, देखा इसमें फंस गया है। अच्छा, ये रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ ये पिलर के बीच में, तो इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं रिस्टार्ट करके आता हूँ। तो वेलकम बैक। बेसिकली हुआ ये था कि मैं इस चेस्ट के ऊपर खड़ा था और आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो मैं स्टक हो गया था दोनों के बीच में। तो मैंने जो है गेम को रिस्टार्ट मारा है, तो हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। वैसे हमारा, आप देख सकते हो, हमारा ये जो लॉकर स्टोरेज है ये अनलॉक हो गया है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में या उससे पहले ही मैं सारे ये रिप्लेस कर दूंगा, और जो हमारा ये वाला लॉकर ओपन हुआ है ये लगा दूंगा। इसमें बहुत सारा कैपेसिटी है, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्टोरेज के लिए। जो और एक गलती हमने की थी कि हम जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन चिप है वो वहीं पे भूल के आ गए थे, तो वो भी मैंने जाके लेके आ गया हूँ। तो अभी हम हमारा जो है और सारा फूड ग्लोअर बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ और तीन बना दूँ अगर हमारे पास मटेरियल हो जाता है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो क्या है। तो फिलहाल 18 है, तो हमें और शायद दो बनाने पड़ सकते हैं। दो सोलर पैनल बनाएंगे, तो दो एल्यूमिनियम चाहिए उसके लिए। हमारे पास कितने हैं? फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। दो एल्यूमिनियम हो गए, इसको वापस रख दो। दो एल्यूमिनियम चाहिए हमें, दो एल्यूमिनियम चाहिए, चार कोबाल्ट चाहिए, चार कोबाल्ट। इसको भी रखना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। इसको भी रख दो फिलहाल के लिए, उनको भी यहीं पे रख दो फिलहाल के लिए। तो चार कोबाल्ट हो गए, 1 2 3 4, और दो तो मैग्नीशियम था या और कुछ था, मैग्नीशियम था और सिलिकॉन था। तो दो मैग्नीशियम एंड दो सिलिकॉन, ठीक है। तो और हमारे दो सोलर पैनल बन जाएंगे। इसी के बगल में लगा देते हैं। ये हो गया 1, हो गया इतनी एनर्जी, आई थिंक इनफ होनी चाहिए तीन फूड ग्लोवर के लिए। फिफ्टी सेवन हो गई, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। क्या क्या चाहिए हमें? एल्यूमिनियम एंड आयरन, एल्यूमिनियम आयरन और पानी। तो आयरन तो है हमारे पास, एल्यूमिनियम लेते हैं, पानी लेते हैं। एल्यूमिनियम 1 2 3 एंड पानी चाहिए रहेगा। तो पानी जो है 1 2, हाँ एग्जैक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, 1, ठीक है, इसी के बगल में लगा देते हैं। सीड लेके आते हैं,
तीन सिलिप काफी है। वन टू थ्री, 30%, 30%, 30%। ओके, तो अभी हमारा जो है ये फूड के लिए हमारे पास अच्छा खासा सोर्स हो गया। ये कितना हुआ है? 75%, 75%, 75% हो भी गया, अच्छी बात है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने फूड को अभी मैनेज कर दिया है। फूड का हमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग हमारा जो मेन टास्क है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जो कि ये टेरा फॉर्मेशन की चीज है। और सेकंड चीज जो है वो हमें इस तरह के भी चेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ये वाली चीज ओपन हो गई है। तो हम ये सारा रिप्लेस कर देंगे और यहाँ इसकी जगह पे हम लोग ये लगा देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हमारे स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। T3 डील हमारे पास ओपन हो गई है, जिसके लिए हमें चाहिए एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम T3 ड्रिल को लगा सके, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम हमें मिल पाए। मैं थोड़ा ग्राइंडिंग कर लूंगा ऑफलाइन, ताकि थोड़ा मटेरियल जमा हो जाए। इससे हमारी जो हीट है, प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे, देखो हम उस तरफ जाके आ गए, वहां पे वो केव में गए थे, हमने एक लिविंग पॉड वहां पे लगा दिया है। हम उस शिप में गए थे, वहां पे एक लिविंग पॉड लगा दिया है। हमने वहां पे गए थे, वहां पे भी हमने एक लिविंग पॉड लगा दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ जाया जाए, ये जो एरिया है ना, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इस तरफ क्या चीजें अवेलेबल है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इसको लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।